अभी हाल ही में सलमान खान ने इस बात का कंफर्मेशन कर दिया है कि वो करीब 20 सालों के बाद संजय लीला भंसाली के साथ इंशाल्लाह नाम की फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट भी नजर आने वाली हैं। बताना चाहेंगे, जब से ये खबर सामने है तब से ही सलमान खान के फैंस की एक्साइटमेंट दुगनी हो गई है और फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताना चाहेंगे, स्टार कास्ट देखकर ये तो साफ साबित हो गया है कि ये फिल्म काफी मायनों में खास होगी, जिस फिल्म में सलमान खान का हमें काफी बेहतरीन तरीके से रोल देखने को मिलेगा। बताना चाहेंगे, फिलहाल किरदारों का तो अभी पता नहीं चल पाया है कि सलमान खान के अपोजिट आलिया भट्ट का क्या किरदार होने वाला है, क्या उस फिल्म में उनकी हीरोइन बनेगी या फिर उनका और कोई किरदार होगा, क्योंकि सलमान खान और आलिया भट्ट की उम्र में काफी ज्यादा अंतर है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच KRK जो कि मूवी क्रिटिक्स भी हैं और बॉलीवुड एक्टर भी हैं, सलमान और आलिया की जोड़ी पर एक कमेंट भी किया है और ये कमेंट बहुत ही अजीब है। सबसे पहले आपको KRK का कमेंट पढ़कर सुनाते हैं। 18 मार्च को KRK ने कमेंट करते हुए लिखा, आलिया भट्ट हु इज द गर्लफ्रेंड रणबीर कपूर इज द हीरोइन ऑफ सलमान खान इन # इंशाल्लाह, सो इज द ब्रेकअप अप टाइम फॉर रणबीर एंड आलिया और इज इट रिवेंज टाइम फॉर सलमान खान, प्लीज नोट रणबीर कपूर is the only reason that today Katrina is not the wife of Salman Khan। तो KRK ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि सलमान खान की अगली फिल्म यानी इंशाल्लाह में आलिया भट्ट रणवीर की गर्लफ्रेंड जो है उनकी हीरोइन बनने वाली हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ट्वीट में ये भी मेंशन किया कि रणबीर कपूर के वजह से ही आज सलमान खान की वाइफ कटरीना कैफ नहीं बन पाई। इसके अलावा KRK का एक और भी कमेंट आया है सलमान और आलिया भट्ट की जोड़ी को लेकर। KRK ने अभी हाल ही में ट्वीट करते हुए लिखा, नाउ आलिया भट्ट इज द हीरोइन ऑफ सलमान खान इन # इंशाल्लाह एंड सलमान खान कैन से दिस टू रणबीर कपूर टुडे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे इंशाल्लाह। तो KRK के ये बैक टू बैक कमेंट कहीं इस बात का इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि KRK सलमान और आलिया भट्ट की जोड़ी को लेकर रणबीर कपूर पर तंज कस रहे हों। फिलहाल KRK अपने दिए गए बयानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं और हमेशा से ही मीडिया की लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं और ऐसे में उनका ये ट्वीट भी शायद इसी वजह को बता रहा है। वहीं दूसरी ओर इंशाल्लाह फिल्म की बात करें तो फिलहाल सलमान खान अपनी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त होने वाले हैं और इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू की जाने वाली है और मीडिया में जिस हिसाब से खबरें आ रही उस हिसाब से बताया जा रहा है कि सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह की शूटिंग दबंग 3 के बाद शुरू हो जाएगी। वही दूसरी ओर आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। उनकी इस फिल्म का भी हाल ही में लोगो टीजर रिलीज किया गया था, जिस टीजर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो दोस्तों, आपकी एक्साइटमेंट है सलमान खान और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म इंशाल्लाह को लेकर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म केसरी की बात करें तो केसरी फिल्म का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह देशभक्ति के रंग में लिपटी हुई एक फिल्म है, जिस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आने वाली हैं। बताना चाहेंगे, केसरी फिल्म सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है, जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानी सेनाओं से लोहा लिया था और इसी की शोरगाथा इस फिल्म में देखने को मिलेगी। बताना चाहेंगे कि अक्षय कुमार की फिल्मों का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन दोस्तों अब केसरी फिल्म रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है। बताना चाहेंगे, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग खत्म हो चुकी है और फिल्म के रिव्यू भी आने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट तना आदर्श ने इस फिल्म को 4 स्टार दिए हैं, साथ ही इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग भी बता दिया है। तना आदर्श की बात करें तो बॉलीवुड में बड़े ट्रेड एनालिस्ट माने जाते हैं और उनके हिसाब से अगर फिल्म को 4 स्टार दिया गया है तो जरूर इस फिल्म में कोई खास बात होगी। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि केसरी फिल्म को पूरे देश भर में 4,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है और जिस हिसाब से फिल्म के ट्रेलर और गानों को रिएक्शन मिल रहा है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि ये फिल्म धुआंधार कमाई करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ट्रेलर में हमने अक्षय कुमार के अलावा फिल्म से जुड़े बाकी कलाकारों के धुआंधार एक्शन सीन देखे हैं। फिल्म में काफी बेहतरीन तरीके से VFX का भी इस्तेमाल किया गया है और होली पर रिलीज होने वाली ये फिल्म 18 से 20 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग दे सकती है, ऐसा अनुमान ट्रेड एनालिस्ट द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, आपकी क्या एक्साइटमेंट है फिल्म केसरी फिल्म को लेकर और आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। सलमान खान, शाहरुख खान और कैटरीना कैफ अब उर्दू को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीनों बड़े सुपरस्टारों को उर्दू के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए अप्रोच किया गया है। बताना चाहेंगे, कल्चर उर्दू डिपार्टमेंट के ये तीनों बड़े सुपरस्टार अब ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं और पूरे देश भर में ये उर्दू को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। बताना चाहेंगे, सलमान खान, शाहरुख खान और कैटरीना कैफ की देश भर में भारी फैन फॉलोइंग मानी जाती है और ऐसे में इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सही किया है, क्योंकि सलमान
सलमान, शाहरुख, कैटरीना कैफ उर्दू को काफी बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। हालांकि इसी के बीच ट्विटर पर कैटरीना कैफ का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। कैटरीना कैफ को लेकर कई लोगों का कहना है कि कैटरीना कैफ तो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती, वो उर्दू का क्या प्रमोट कर पाएंगी। बताना चाहेंगे उर्दू काफी कठिन भाषा है। हालांकि उर्दू भाषा में काफी नजाकत और मोहब्बत देखने को मिलता है और उर्दू के कई लफ्ज बोलने में काफी ज्यादा कठिन होते हैं। ऐसे में कैटरीना कैफ के लिए उर्दू को प्रमोट करना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा साबित होने वाला है। वहीं दूसरी ओर सलमान शाहरुख उनकी मदद भी कर सकते हैं। वेल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? तो सलमान शाहरुख और कैटरीना कैफ उर्दू को पूरे देश भर में प्रमोट करने जा रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। हॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी 90 के दशक में सबसे कामयाब फिल्मी जोड़ियों में से एक मानी जाती थी और कुछ वक्त बाद दोनों के अफेयर की खबरें आनी भी शुरू हो गई। बताना चाहेंगे दोनों टॉक ऑफ द टाउन हो गए थे। हालांकि इस जोड़ी की प्रेम कहानी बहुत लंबी नहीं चली और कुछ ही वक्त बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने की असली वजह क्या थी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखा जाए तो अक्षय कुमार का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया है जिनमें शिल्पा शेट्टी, रेखा जैसी बड़ी हीरोइनें भी हैं और इन्हीं हीरोइनों में से आती है रवीना टंडन। रवीना टंडन के साथ उनके अफेयर की खबरें सबसे ज्यादा हुई थी लेकिन आखिरकार उनकी ये जोड़ी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। खबरों की माने तो अक्षय ने रवीना को प्यार में धोखा दिया था जिसका नतीजा ये हुआ कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। बताना चाहेंगे होली से ठीक पहले रवीना टंडन का एक वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में वायरल हो रहा है और इस वीडियो में रवीना अक्षय के साथ उनके ब्रेकअप की कहानी पर बातचीत कर रही हैं। रवीना इस वीडियो में बताती हैं कि अपने करियर को विराम देकर शादी लेने का फैसला उनका खुद का था। हालांकि जब उन्होंने पर्दे पर वापसी करने का फैसला किया तो अक्षय इस बात पर सहमत नहीं थे। रवीना आगे इस वीडियो में बताया कि अक्षय उम्मीद करते थे कि वह उन्हें हर बार धोखा देने के बाद भी उन्हें स्वीकार कर लें। रवीना टंडन ने आगे बताते हुए कहा कि तकरीबन 3 साल तक अक्षय के बार बार धोखा देने पर भी उनके साथ बनी रही। ये सब उनके रिश्ते के अंत तक चलता रहा। रवीना बताते हैं कि किस तरह अक्षय का ईमानदार होना उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था लेकिन अक्षय उन्हें हर बार धोखा देते थे। अक्षय के अफेयर बाकी कई हीरोइनों के साथ उन्हें पता भी चलता था लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं छोड़ती थी। लेकिन आखिरकार रवीना ने अक्षय को छोड़ने का फैसला कर लिया। बताना चाहेंगे वक्त गुजर जाने के बाद अब दोनों ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जहां एक तरफ अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली, वहीं दूसरी तरफ रवीना टंडन भी अनिल ठडानी से शादी करके खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वहीं दूसरी ओर वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्दी फिल्म केसरी में नजर आने वाले हैं क्योंकि इस फिल्म को 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। रवीना आखिरी बार फिल्म मात्र में नजर आई थी और इसके बाद वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई है। ऐसे में KGF 2 को लेकर खबरें आ रही कि रवीना टंडन की इस फिल्म में वापसी हो सकती है लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। भाईजान सलमान खान की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्मों की लंबी लिस्ट है और इन्हीं फिल्मों की लंबी लिस्ट में एक बड़ी फिल्म का नाम जुड़ गया है। बताना चाहेंगे संजय लीला भंसाली सलमान खान को लेकर एक लंबे समय से फिल्म बनाने वाले थे लेकिन दोस्तों अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी लेकिन अभी हाल ही में सलमान खान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म को कन्फर्म कर दिया। जी हां, इंशाल्लाह नाम की फिल्म को लेकर आ रहे हैं सलमान खान, जिस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आने वाली है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा ये फिल्म साबित होने वाली है जिस फिल्म में सलमान खान का हमें काफी अलग रूप देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो पहली बार सलमान खान के साथ आलिया भट्ट नजर आने वाली है और इस बारे में जब आलिया भट्ट से पूछा गया तो आलिया भट्ट का चौंका देने वाला रिएक्शन था। जी हां, मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब आलिया भट्ट से पूछा गया कि आप सलमान खान के साथ फिल्म इंशाल्लाह में नजर आने वाली हैं तो इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया, मैं लंबे समय के साथ सलमान खान के साथ किसी फिल्म में काम करना चाहती थी, ये मेरा सपना था और इंशाल्लाह फिल्म में मैं सलमान खान के साथ नजर आऊंगी तो ये मेरे सपने जैसा ही है और आज मेरा ये सपना पूरा हो चुका है। बताना चाहेंगे ये सब बातें कहते हुए आलिया भट्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और सलमान खान के साथ फिल्म इंशाल्लाह में काम करने के लिए वो काफी बेसब्र भी लग रही थी। बताना चाहेंगे इंशाल्लाह फिल्म काफी मायनों में खास होगी क्योंकि संजय लीला भंसाली पीरियड ड्रामा फिल्म बनाने में माहिर है। उनकी पिछली रिलीज फिल्म पद्मावत की बात करें तो ये भी एक पीरियड ड्रामा फिल्म पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म की कहानी में थोड़ा बहुत चेंजेस किया था लेकिन इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और ऐसे में संजय लीला भंसाली सलमान खान को लेकर इंशाल्लाह नाम के टाइटल से फिल्म बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े धमाके जैसे ही होगी। तो दोस्तों आपकी क्या एक्साइटमेंट है सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह को लेकर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।
रितेश देशमुख ने खोली अक्षय की पोल। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने एक ट्वीट करके बताया कि अक्षय कुमार सबसे बड़े टैक्स पेयर कैसे बन जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात परिणीति चोपड़ा के फनी ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए कही है। दरअसल हुआ यूं कि अक्षय कुमार परिणीति चोपड़ा दी कपिल शर्मा शो पर अपनी आने वाली फिल्म केसरी का प्रमोशन करने पहुंचे थे। शो पर परिणीति चोपड़ा ने बताया था कि शूटिंग के दौरान वक्त काटने के लिए अक्षय और परिणीति कार्ड्स खेला करते थे। परिणीति ने बताया कि गेम्स में परिणीति अक्षय के इतने पैसे हार चुकी है कि उन्हें अक्षय को बहुत से पैसे चुकाने हैं। शो पर अक्षय परिणीति की ये बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके बाद परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें वह अक्षय कुमार को पैसे देती नजर आ रही है। तस्वीर के साथ परिणीति ने अखबार की वो कटिंग भी शेयर की जिसमें अक्षय के पैसे उन पर उधार होने की खबर छपी थी। साथ ही इन तस्वीरों को शेयर करते हुए परिणीति चोपड़ा ने कैप्शन में लिखा, मुझे एक अखबार ने बताया था तो अक्षय कुमार को। परिणीति चोपड़ा द्वारा अक्षय कुमार के पैसे करने वाले इस ट्वीट को रितेश देशमुख ने भी मस्ती की। परिणीति चोपड़ा द्वारा अक्षय कुमार के पैसे वापस करने वाले इस ट्वीट पर रितेश देशमुख ने चुटकी लेते हुए परिणीति चोपड़ा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अब आप लोगों को पता चला कि अक्षय कुमार देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर किस तरह बन गए हैं। बताना चाहेंगे रितेश देशमुख ने आगे लिखते हुए कहा कि हम उनको को स्टार के तौर पर बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनके पास सबसे ज्यादा रचनात्मक खेल है, वह चाहे तो अपना खुद का ओलंपिक आयोजित करा सकते हैं। दिलचस्प बात तो ये रही कि अक्षय कुमार ने भी रितेश देशमुख के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अक्षय ने रितेश के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, शुक्रिया शुक्रिया, इससे मुझे याद आया तुम आज दोपहर बाद क्या कर रहे हो, क्यों ना लूडो की एक बाजी हो जाए। हालांकि सोशल मीडिया पर इन सितारों की मस्ती को फैंस भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन रितेश देशमुख के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है क्योंकि कि अक्षय कुमार को लेकर सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर है और वो साल में करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में देते हैं। लेकिन इस पर चुटकी लेते हुए रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर ये मैसेज किया तो जाहिर सी बात है ये वायरल होना ही था। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इस खबर पर आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।